हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मीनाक्षी जोशी आर्ट्स में। टाइटल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम मधुबनी नेम प्लेट बनाने जा रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं। उसमें हमने बॉर्डर और थोड़ा डिज़ाइन वगैरह बनाना सीखा था, तो इस वीडियो पे हम लोग राधा कृष्ण बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो सकें। और जो इसका पहला पार्ट है, उसकी जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण बनाने से पहले मैंने यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा बहुत ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप भी इसी तरीके से पेंसिल से ड्रॉ करके रख सकते हैं, उसके बाद जाके आप कलर से आगे को पेंटिंग बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पेंटिंग बनाने के लिए ऑयल पेंट का यूज़ किया हुआ है, यानी कि जो पेंट होता है एशियन पेंट का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले आप पूरी आउटलाइंस वगैरह बना के तैयार कर लेंगे। नेम प्लेट बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी प्लाई के टुकड़े का यूज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, या फिर स्टील की जो प्लेट्स टाइप की मिलती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसका आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेम प्लेट की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी लंबी आप नेम प्लेट चाहते हैं या फिर जिस हिसाब से आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप नेम प्लेट की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 00 ब्रश का और 0 नंबर के ब्रश का यूज़ किया हुआ है। कृष्ण जी में ब्लैक कलर का वर्क पूरा हो चुका है, इसके बाद हम राधा जी में ब्लैक कलर से आउटलाइन करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारी राधा और कृष्ण में जो ब्लैक कलर आउटलाइन वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कलर करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने घाघरे के लिए कलर लिया हुआ है वो रेड कलर लिया हुआ है। अब देखिए, जो इनकी चोली है उसके लिए मैंने इस तरीके से कलर मिक्स कर लिया है। आप इस तरीके से कलर बना सकते हैं। जो सर के ऊपर से जो चोली गई हुई है उसमें कलर करने के लिए हम रेड कलर में वाइट कलर मिक्स करेंगे इस तरीके से और अप्लाई करेंगे।
कृष्ण जी की जो धोती है उसमें मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ किया हुआ है, और राधा जी के हाथ में जो कमल है उसमें मैंने पिंक कलर किया हुआ है, और कृष्ण जी के सर पे मोर पंख पे भी आप इस तरीके से कलर कर लेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड में मैंने कुछ फूल पत्तियाँ और टहनियाँ बनाई हुई हैं, देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने राधा कृष्ण बनाना सीखा, इसके अगले पार्ट में हम नाम लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।